नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। पूरे देश दुनिया के साथ रीवा में भी पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान कई जगह पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। कहीं पर डॉक्टर ने अपनी बिटिया के जन्मदिन पर पेड़ लगाए तो कहीं पर रीवा महापौर कमिश्नर ने वृक्षारोपण किया। महापौर रीवा का साफ तौर से कहना था, वृक्ष जरूर लगाइए, खास तौर से नदी के किनारे जहां आपको जगह मिलती है बड़े पेड़ लगाइए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो अपने घर में भी भले एक तुलसी का पौधा लगाइए, लेकिन पौधा लगाइए जरूर। वहीं कमिश्नर रीवा का साफ तौर से कहना था, शहर को साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए। स्वच्छता हमारे लिए सबसे जरूरी है। जिस तरीके से पेड़ पौधे वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ रहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से पेड़ लगाइए, हरियाली रखिए, शहर को साफ रखिए। क्या कुछ कहा आज पेड़ लगाने के बाद महापौर रीवा, कमिश्नर रीवा और डॉक्टर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित अवधिया, मेरे साथ है डॉक्टर प्रिया सोनी, हमारे भैया प्रिंसिपल हैं सरस्वती विद्यालय के, हमारे पिताजी वरिष्ठ रिटायर्ड कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय के। आज ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, एक नई पहल है। मैंने अपनी बच्ची का जन्मदिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है, जिसमें 100 वृक्षों का संकल्प लिया गया है। ये संकल्प इसलिए है कि लोग अपने बच्चों के जन्मदिन वृक्षारोपण के रूप में मनाएं और प्रकृति को बचाने का सहयोग करें, जिससे प्रकृति बची रहेगी तो लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ प्रकृति और वातावरण सभी अच्छे रहेंगे। तो जी, अभी तक कितने वृक्ष लगा चुके हैं? अभी तक 450 से ज्यादा वृक्ष लगा है। पिछले 7 सालों से वृक्षारोपण कर रहा हूँ, पहले भोपाल जामनगर में 4 साल, फिर रीवा में, फिर हमारे गाँव है कटरा, और इस बार ये इस पार्क में महाराणी लक्ष्मीबाई पार्क नेहरू नगर में वृक्षारोपण किया। ये आज कौन सा दिवस मनाया गया? आज ये विश्व पर्यावरण दिवस है और रीवा में नगर निगम रीवा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पे पहले नगर वन में, फिर ये आपके विवेकानंद पार्क में, अभी शिल्पी प्लाजा में भी गमलों सीमेंट के गमले बनाकर उसमें हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। और हम तो रीवा नगर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने घर के सामने, अपने घर के पार्क के पास, जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप एक पौधा जरूर लगाएं। घर में तुलसी का पौधा रखें, जो नदी है घाट है वहाँ पीपल बरगद नीम का पेड़ लगाएँ। पर्यावरण जितना संतुलित होगा उसी तरह हमारे यहाँ आबोहवा रहेगी, ऑक्सीजन अधिक मिलेगा। आप देख लीजिए पूरे देश में पर्यावरण असंतुलित हो चुका है और उसका ये परिणाम है कि न वर्षा सही समय पर हो रही, न गर्मी अच्छी पड़ रही है, न ठंड ही अच्छी पड़ रही है, जिसके कारण अपने यहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए ये वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम चल रखा है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं तो मैं रीवा नगर के सभी नगर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पौधा ज़रूर लगाएं। साथ ही मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण आ रहा है और हम सभी को रीवा को नंबर वन बनाना है, तो अपने घर का कचरा कचरे की गाड़ी में ही डालें, कचरा ना फैलाएं, बाहर गंदगी ना करें और अपने शहर को स्वच्छ बनाने के प्रयास हम सभी करें, फिर ही रीवा बन पाएगा नंबर वन। गुड, धन्यवाद।